Hi guys, this is Taufeeq Kumar. My YouTube channel is TS Academy. आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, किसकी चर्चा करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र. क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र. क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक का एरिया. जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम मेरे एरिया में आओ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ऐसे कुछ तो कहते हैं. या यूं समझ लीजिए, मैं खड़ा हूं, मैं एक चार्ज हूं, मेरा एक एरिया ये है, मेरा एरिया यहां तक है कि यहां तक अगर कोई चार्ज आएगा या कोई आदमी आएगा तो उस पर या तो मैं उस पर एक कंटाप अप्लाई करूंगा या तो उसको एक कंटाप मारूंगा. अगर इससे बाहर क्षेत्र से बाहर होगा तो मैं उसको कंटाप नहीं मार पाऊंगा. सेम वही कंडीशन यहीं पर भी लागू होती है. अगर मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, इसका एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट. अगर ये चार्ज यहां तक आएगा तो क्या इस पर ये कोई क्षेत्र अप्लाई कर पाएगा, कोई फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं करेगा. अगर ये चार्ज यहां तक आ गया तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा. अगर ये फोर्स, ये चार्ज जैसे ही यहां पर आएगा, जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा, तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा. क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है, ठीक है. अगर ये चार्ज प्लस का है और ये भी चार्ज प्लस का है तो जैसे ही ये इसके क्षेत्र में आएगा तो इसको क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा. और अगर ये चार्ज माइनस का है और ये चार्ज प्लस का है तो ये क्या कर देगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है. तो डिफिनेशन क्या इसकी होगी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो विद्युत बल का अनुभव करता है. क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है. क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है. बात समझ में आ रही है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो विद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है. इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है. अब देखो हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट. F अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जो हमारा है ये परीक्षण आवेश है. क्या है? परीक्षण आवेश, ठीक है. क्या है? परीक्षण आवेश. तो किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, ये जो लाइन दिख रही है ना इसे हम लोग कहते हैं अनुपात. किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है. या तो इस तरीके, तो ये डिफिनेशन हो गई. दूसरी तरीके की डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश को अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है. या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है. इसका जो मात्रक होगा, मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम. क्या होता है? कूलाम. तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम. बात समझ में आ रही इतनी, ठीक है बेटा. अब इसके बाद बात करते हैं विमा की. इसकी
विमा क्या होती है, E बराबर बल की विमा होती है एम एल टी की घात माइनस टू। मैंने जब इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बल की विमा बताई थी आपको, और आवेश की विमा भी बताई थी क्या होती है एटी, आवेश की विमा क्या होती है एटी। तो E बराबर एम एल टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस वन। ये इसकी क्या आ गई विमा। इसकी अदर यूनिट क्या बनेगी, एम मींस मास, मास की यूनिट क्या होती है केजी, एल मींस लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, टी मींस टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेकंड की पावर माइनस थ्री, ए मींस एम्पियर। इतनी बात समझ में आ रही है, एम्पियर की पावर माइनस वन। ठीक है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो विद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक बेटा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और विमा क्या होती है एम एल टी की घात माइनस थ्री ए की घात माइनस वन। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, हमारा अगला टॉपिक है किसी बिंदु पर रखे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हेडिंग है किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, तो देखो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रखा है हमारा बिंदु ओ पर, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत पर मान लेते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बिंदु पी तक लेके आते हैं, बिंदु पी तक लेके आते हैं। तो माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत पर मान लेते हैं, अनंत पर मान लेते हैं। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता था, F बराबर वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर चार्ज क्या है, क्यू है और क्यू नॉट है, चार्ज क्या है क्यू और क्यू नॉट है, तो चार्ज हो जाएंगे क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू नॉट, E बराबर F का मान पुट कर दो वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर पूरा बटे क्यू नॉट। यह क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो E बराबर जो बचा हमारा वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देन रिजल्ट हो गया हमारा। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी E बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, इसको नोट करना, नोट कर लें। ठीक बेटा, आगे हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है,
वैद्युत द्विध्रुव, देखो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, या तो विपरीत आवेश रखे होंगे, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, कितने पर, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू टू एल, पी बराबर क्यू इंटू टू एल। तो किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, समझो बेटा, मात्रक क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम्ब मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है बेटा, कूलाम्ब मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, सॉरी हाँ यूनिट हो गई। और इसकी विमा क्या होगी, विमा समझो, P बराबर आवेश की विमा होती है at, और लंबाई की विमा क्या होती है l, तो P बराबर इसको लिख सकते हैं lta, lta विमा क्या हो जाएगी lta, और इसकी अदर यूनिट क्या होगी, l means length, length यूनिट मीटर, t means time, time की यूनिट सेकेंड, a means ampere, ampere, बात समझ में आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, विमा क्या होती है एलटीए, इसकी अदर यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर सेकंड एम्पियर, ठीक है बेटा। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, ठीक है बेटा। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो अच्छी स्थिति में, दूसरा निरच्छी स्थिति में, ठीक है बेटा। तो हम लोग चर्चा करेंगे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, और उसी साथ ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है, या इसके बाद निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है। तो देखिए बेटा, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस से मिलकर बना है, माइनस क्यू था प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह द्विध्रुव हमारा AB है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यह स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी।
बेटा ये दुद्रु हमारा 12 दुद्रु के बीच की दूरी कितनी होती है 12 होती है, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये मध्य बिंदु है तो ये एल हो जाएगी और ये भी हमारी एल हो जाएगी। अब प्लस क्यू आवेश से हम लोग बिंदु पी तक दूरी देखेंगे। देखो बेटा ये पूरी आर है, इसमें से ये एल निकल गई तो क्या बचेगी आर माइनस एल क्यों बेटा। अब माइनस क्यू आवेश से देखेंगे आर तो ये बेटा है और एल इतनी ही है तो क्या हो जाएगी आर प्लस एल, क्या हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी R प्लस एल। तो देखो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखते हैं बेटा प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k q upon r square। अभी इससे पहले उन्होंने डेरिवेशन निकाला है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या सूत्र निकला था E बराबर 1 upon 4 pi epsilon naught k q upon r square। तो यहां पर q upon r square तो प्लस q आवेश से दूरी कितनी है r minus l है, तो यहां पर हो जाएगा r minus l का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालो, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon नॉट के क्यू अपॉन माइनस के कारण दूरी कितनी है r प्लस l है, दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो देखो बेटा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, प्लस Q के कारण क्या आ रही है E1 आ रही है और माइनस Q के कारण क्या आ रही है E2 आ रही है। ठीक है बेटा, माइनस क्यू के कारण E2 आ रही है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2 क्योंकि E1 इधर डायरेक्शन पे है और E2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन पर है। ठीक है बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है विपरीत है, इसीलिए हम लोगों ने इसको घटा दिया, अगर सिमिलर डायरेक्शन में होती तो हम लोग इसको जोड़ देते। तो E बराबर E1 का मान रखो 1 upon 4 pi epsilon नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1 upon 4 pi epsilon नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर कुछ कॉमन मिल रहा होगा, देखो Q बटा 4 पाई epsilon नॉट के कॉमन हो गया तो बड़े ब्रैकेट बचा 1 upon R minus L का होल स्क्वायर माइनस 1 upon R plus L का होल स्क्वायर। आगे देखो बेटा E बराबर, सभी लोग ध्यान दें, कहां ले जा रहे तुम्हारी सीधे बैठो, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम बटा कितना मिल जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये मिल गया हमारा एलसीएम, क्रॉस मल्टीपल होगी तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक है बेटा, तो E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसका स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यहां पर माइनस लगा है तो साथ में माइनस से गुणा भी कर दे रहे हैं
तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल पूरा बटे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन बन, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस और माइनस के ई बराबर क्यू बटा फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, टू टू कितना हो गया फोर, फोर आर एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर वन अपॉन फोर पाई लिख लिया एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू टू एल, इसको तोड़ लिया टू एल में और इंटू टू आर, कोई फर्क, और हमारा नीचे ऐसे रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये जो बेटा फोर आर एल लिखा है इसको तोड़ दिया टू एल इंटू टू आर, तो दोनों चार आर एल हो जाएगा आपका। अब आपने पढ़ा है पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू टू एल, तो ये क्यू इंटू टू एल की जगह पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ई बराबर वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएगा पी इंटू टू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मानने पर तो E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के टू पी आर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के टू पी आर बटे आर की पावर फोर, ये कट गया आर से आर क्यूब बचेगा बचेगा आपका वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के टू पी अपॉन आर क्यूब, देन रिजल्ट आ जाएगा आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी टू पी अपॉन, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट के टू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। और जो इस कंडीशन में हमारी जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन वो हो जाएगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, बात समझ में आ रही बेटा। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या निकलेगी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसे होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है बेटा। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हम लोग समझ में आ रहा सभी को बेटा, ठीक है। अच्छी स्थिति हमारा हो गया है, अब हम लोग बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति की, किसकी बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बेटा ये हमारा कोई विद्युत ध्रुव रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से ए बी, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है टू एल है, तो ये लेंथ हो गई एल, ये हाफ आर्म में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मिडिल पॉइंट से है आपका। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी ई वन साइन थीटा और ये ई टू साइन थीटा, और यहां पर जो निकलेगी हमारी ई इक्वल टू ई वन कॉस थीटा या ई वन प्लस ई टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकली ई वन प्लस ई टू कॉस थीटा, ये ई वन है बेटा ई टू है, ठीक है। देखो बेटा ये हम लोग पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे इसके अंदर तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या निकल आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी क्या निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो माना एक विद्युत ध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जो ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा, देखो तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो r की जगह पर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, प्लस क्यू आवेश से दूरी। तो जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट के क्यू बटा, वही कंडीशन यहां पर भी है, आर स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। ठीक है, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 cos थीटा, E1 प्लस E2 बाहर आपका cos ऑफ थीटा E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू रखो, बड़ा क्वेश्चन लगा लो, 1/4 pi epsilon नॉट के Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू 1/4 pi epsilon नॉट के Q बटा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है, एल है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बराबर देख रहे होंगे ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, तो इनको लिख लो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब इंटू एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेटा देखो, छोड़ दो कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ई बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के, इसको ढंग से लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2L बटे, ये एक घात है, ये अंडर रूट का मतलब होता है आधी, तो एक में आधी जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2, क्यू इंटू 2L क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की तुलना में, सॉरी आर स्क्वायर की तुलना में, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो ई बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर स्क्वायर की घात, यहां पर 3/2 होगा, 3/2, दो दो कट गया, तो ई बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू। तो बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू। ठीक, थैंक यू फॉर क्लास, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।